हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग 11th क्लास का हिंदी मीडियम का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला वीडियो है ये, फर्स्ट चैप्टर भौतिक जगत एवं मापन हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, ये हमारा चैप्टर है भौतिक जगत एवं मापन। तो इसके अंदर सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं भौतिक राशियाँ। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक ले रहे हैं हम लोग भौतिक राशियाँ। ठीक है, ये जो टॉपिक है आपका, जो आज का टॉपिक है, ये बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है वैसे तो। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन ये बेस है ये। ठीक है, तो ये टॉपिक अगर आपको अच्छे से समझ में आते हैं तो आप आगे की भी जो पूरे चैप्टर्स हैं ना, पूरी फिजिक्स, देखो इन सब जो ये जो स्टार्ट के जो बेसिक टॉपिक्स हैं इन पर डिपेंड करती है पूरी फिजिक्स। तो ये अगर आपको अच्छे से समझ में आते हैं तो आगे की चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी, आसान लगेंगी। अगर यहीं पर आप लोग अच्छे से नहीं समझोगे तो आपको जो है डाउट आपके इकट्ठे होते जाएंगे और आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, फिर उसके बाद आपको हार्ड लगने लग जाएगी। तो देखो यहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, स्टार्ट में आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी ताकि आपको आगे जो है वो आसान लगे और अच्छे से समझ में आए। तो देखिए भौतिक राशियाँ क्या होती है, अब आप देखो फिजिक्स के अंदर बहुत सारे लॉ आप लोग पढ़ते हो, बहुत सारे नियम आप लोग पढ़ते हो, जिसके अंदर आपको बहुत सारी भौतिक राशि, बहुत सारी चीज़ें आप लोग बताते हो उसके अंदर, जैसे कि बल है, ठीक है, उसके बाद त्वरण है, उसके बाद आपका वेग, तो इन सारी चीज़ों के बारे में आप लोग पढ़ते हो। तो इन सब चीज़ों के बारे में अगर आप नहीं जानोगे तो आप कोई भी नियम को आसानी से, कोई भी नियम को आप ना तो समझा सकते हो, ना खुद समझ सकते हो, ना ही नियम को सत्यापित किया जा सकता है, ना ही लिखा जा सकता है। यानी कि ये जो सारी राशियाँ हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं पूरी फिजिक्स के अंदर, और इन्हीं ये जो राशियाँ जो मैं आपको बता रही हूँ यही भौतिक राशियाँ हैं। ठीक है, तो भौतिक राशियाँ वो राशियाँ जिनके बिना किसी भी भौतिकी के नियम को नहीं समझाया जा सकता है, ना ही नियम को सत्यापित किया जा सकता है, ना ही पूरी जो भौतिकी है आपकी उसको समझा जा सकता है। तो ये सारी जो इम्पोर्टेंट राशियां हैं इनको बोलेंगे भौतिक राशियां। ठीक है, समझ गए आप भौतिक राशियां क्या हैं, जिनतिक राशियां जिनके ऊपर आपका पूरा भौतिक विज्ञान डिपेंड करता है वो हो जाएंगी भौतिक राशियाँ। ठीक है, जिनको कभी कभी डायरेक्ट भी उनको हम लोग मेजर कर सकते हैं, यानी कि उनका मापन जो है कभी कभी डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं, कभी कभी इनडायरेक्ट हम लोग को करना पड़ता है। ठीक है, तो अब देखिए डेफिनेशन तो मैं यहाँ पर नहीं लिख रही हूँ, आप लोग खुद आसानी से लिख सकते हो, वे भौतिक राशियाँ जिनके बिना भौतिकी के नियमों को नहीं समझाया जा सकता है, जिनके ऊपर पूरा भौतिक विज्ञान डिपेंड करता है वो भौतिक राशियां हैं, और उनके उदाहरण हम लोग दे देते हैं। वेग, त्वरण, बल, संवेग, इस तरीके से ये सारे जो हैं इसके उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, ये सब आप लोगों ने देखे भी हैं, जैसे कि द्रव्यमान है, ये सब आप लोग इससे पहले भी 10th तक की जितनी भी आप लोगों ने साइंस पढ़ी है उसमें भी ये सारे नाम आपने सुने भी हैं और इनके बारे में आप लोग जानते भी हो। ठीक है, 9th-10th में जो है थोड़े बहुत फिजिक्स के चैप्टर आने लग जाते हैं, उसके अंदर आप लोगों ने इनके बारे में पढ़ा है। दूरी, विस्थापन, ये सब जो है ये इसी के एग्जांपल है भौतिक राशियों के। अब देखो ये जो भौतिक राशियां हैं इनको भी दो भाग में डिवाइड किया जा सकता है, यानी कि दो इसके प्रकार हो सकते हैं भौतिक राशियों के भी। दो प्रकार की होती हैं, फर्स्ट
मूलभूत भौतिक राशियां। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग मूलभूत भौतिक राशियां। तो मूलभूत भौतिक राशियां वो भौतिक राशियां होती हैं जो किसी दूसरी भौतिक राशि पर डिपेंड नहीं करती हैं। ठीक है, यानी कि ये फ्री है, किसी पर भी डिपेंड नहीं करती हैं। किसी दूसरी कोई भी अगर भौतिक राशि है तो उसका इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि तो ये भौतिक राशियाँ किसी अदर भौतिक राशि पर डिपेंड नहीं करती हैं, वो मूलभूत भौतिक राशि हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि इसके उदाहरण द्रव्यमान, लंबाई, समय। ठीक है, ये तीन भौतिक राशि है जिनको मूलभूत भौतिक राशियां कहा जाता है। ये किसी भी दूसरी भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती हैं। तो ये द्रव्यमान जो कि अगर किसी वस्तु का अगर द्रव्यमान है तो है, वो किसी भी दूसरी भौतिक राशि पर डिपेंड नहीं करेगा। कि कोई ऐसा नहीं है कि दूसरी अगर जगह उसकी चेंज हो जाए, या फिर 5 घंटे पहले अगर उसका द्रव्यमान कुछ और है या 5 घंटे बाद उसका द्रव्यमान कुछ और हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जो द्रव्यमान किसी वस्तु का है वो किसी दूसरी भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करता है। लंबाई जो है वो भी किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती है। समय फ्री होता है, किसी भी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता। बाकी जो भौतिक राशि है वो समय पर निर्भर कर जाती हैं, लेकिन लंबाई और द्रव्यमान जो है ये भी समय पर निर्भर नहीं करते। यानी कि देखो, किसी दूसरी पर निर्भर नहीं कर रहे हैं ना, तो ये जो है मूलभूत भौतिक राशि हो जाएंगी तीन। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो प्रकार है इसका वो है व्युत्पन्न भौतिक राशियां। अब देखिए, इसके नाम से भी पता चल रहा है, इन दोनों के नाम से भी आपको पता चल रहा है, तो याद रखना काफ़ी आसान है। व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ यानी कि उनको उत्पन्न किया गया है। ठीक है, और किसी दूसरी भौतिक राशि के सहायता से ही उत्पन्न किया जाएगा। तो यानी कि वो भौतिक राशियाँ जो मूलभूत भौतिक राशियों पर निर्भर करती हैं। ठीक है, अन्य भौतिक राशियों की सहायता से, और वो अन्य कौन है, वही है मूलभूत भौतिक राशि जो कि किसी अन्य पर निर्भर नहीं करती हैं। तो व्युत्पन्न भौतिक राशियां हो जाएंगी वो भौतिक राशियां जो मूलभूत भौतिक राशियों की सहायता से उत्पन्न करी जाती हैं और मूलभूत भौतिक राशियों पर निर्भर करती हैं, वो व्युत्पन्न भौतिक राशियां हो जाएंगी। इनके उदाहरण हो जाएंगे, देखो इनके उदाहरण हो जाएंगे बल, संवेग, उसके बाद में त्वरण। ठीक है, ये सब जो है आप और भी ले सकते हो, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, ये सब जो है वो निर्भर करती हैं इन मूलभूत भौतिक राशियों पर। तो ये व्युत्पन्न भौतिक राशियां हो जाएंगी। ठीक है, और इनके नोट्स आपको साथ साथ बनाने हैं, और इनकी जो परिभाषा वगैरह है वो मैं देखो आपको बार बार बता रही हूँ, एक बार भी नहीं काफ़ी बार बता रही हूँ, तो आप लोग आसानी से इनको लिख सकते हो। ठीक है, साथ साथ में। उसके बाद ये तो हो गए दो प्रकार। अब देखिए, बात करते हैं हम लोग इकाई की, मापन की इकाई। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि कोई भी भौतिक राशि हो उसको अगर हम लोगों ने बता दिया, लेकिन उसके परिमाण को बताने के लिए, उसके बारे में बताने के लिए हमें उसके मात्रक की आवश्यकता होती है। जैसे कि इससे पहले भी आप लोग इसके बारे में पढ़ चुके हो, छोटी क्लासेस में भी आने लग जाता है। हम लोग जानते हैं कि द्रव्यमान जो है उसके लिए किलोग्राम, ग्राम, ये सारे जो मात्रक हम लोग यूज़ करते हैं। तो कोई भी भौतिक राशि है उसके लिए एक जो है वो स्टैंडर्ड मात्रक होता है जो कि सब जगह मान्य होता है। यानी कि जितने पूरे विश्व में वो मान्य होगा, ताकि उसके लिए एक जो है एक पर्टिकुलर पद्धति उसके लिए निर्धारित करी जा सके, उसका एक मान निर्धारित किया जा सके, एक परिमाण निर्धारित किया जा सके, एक मात्रक निर्धारित किया जा सके जो सर्वमान्य हो। ठीक है, ताकि उसके लिए उसको काम में लेना आसान हो, कोई भी भौतिक राशि हो उसको काम में लेना आसान हो। ठीक है, तो वो जो है वो होगा मात्रक। देखिए, कोई भी भौतिक राशि है उससे जुड़ी हुई दो चीज़ें होती हैं, एक तो उसका
परिमाण, ठीक है, कितना अमाउंट है, ठीक है, जैसे कोई भी एक किलो है, दो किलो है, यानी कि ये जो उसका नंबर के तरीके से हम लोग उसको नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दो किलो, चार किलो, पाँच किलो, है ना, ये भी हो सकता है। तो दो, अगर दो किलो हम लोगों ने बताया यहाँ पर, तो दो तो जो है वो उसका यहाँ पर गणितीय परिमाण है, ठीक है, भौतिक परिमाण है, और किलो भी बोला है साथ में, तो किलो जो है वो उसका मात्रक है, यानी कि दो चीज़ें यहाँ पर होती हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ जो उसका भौतिक परिमाण है उसको तो एन से रिप्रेजेंट करते हैं, भौतिक माप बोल सकते हो या भौतिक परिमाण बोल सकते हो, भौतिक परिमाण को तो एन से हम लोग लिखेंगे, और जो मात्रक है उसका उसको हम लोग लिखेंगे यू से, ठीक है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला बनता है हमारा कि एक, अब जो है बहुत सारे तरीके की मात्रक पद्धतियाँ होती हैं, उसके लिए एक फॉर्मूला बनता है हमारे पास में एन वन यू वन इक्वल्स टू एन टू यू टू। तो यहाँ पर हमारे पास में ये फॉर्मूला बनता है दो मात्रक पद्धतियों के लिए एन वन यू वन इक्वल्स टू एन टू यू टू, यानी कि इस तरीके से ये साथ में चलता है। और इसको हम लोग डिटेल में देखो, आगे जब टॉपिक लेंगे हम लोग तब इसको बताएंगे आप लोगों को डिटेल में। अब हम लोग देख रहे हैं मात्रक पद्धति, मात्रक पद्धतियाँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में तीन तरीके के मात्रक पद्धति हैं। सबसे पहली जो मात्रक पद्धति है हमारे पास में CGS मात्रक पद्धति, ठीक है, ये एक तो ये मात्रक पद्धति है हमारे पास में। उसके बाद में दूसरी मात्रक पद्धति है हमारे पास में MKS मात्रक पद्धति, और थर्ड जो है वो है FPS मात्रक पद्धति। तो एक एक करके हम लोग इन तीनों मात्रक पद्धतियों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं CGS मात्रक पद्धति। ठीक है, अब देखिए CGS मात्रक पद्धति के अंदर तीन भौतिक राशियों को ये बारे में ही हम लोग बताएंगे, क्योंकि बाकी तो उनसे व्युत्पन्न करी जाएंगी, व्युत्पन्न भौतिक राशियां। तो तीन जो मूलभूत भौतिक राशियां हैं, द्रव्यमान, उसके लिए यहाँ पर मात्रक होता है ग्राम, ठीक है, और लंबाई, लंबाई के लिए यहाँ पर मात्रक होता है सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद समय, तो समय के लिए मात्रक सेकंड। देखिए समय के लिए मात्रक हर पद्धति में सेकंड ही रहेगा, ठीक है। तो तीनों इसके नाम में भी देखो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा, सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम, और एस से सेकंड। तो याद रखना आसान है आपके लिए, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, लंबाई, द्रव्यमान और समय, इन तीनों के लिए मात्रक इसके अंदर ये होंगे, ठीक है। और जो बाकी व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ हैं उनके लिए हम लोग इनकी सहायता से निकाल सकते हैं। दूसरी जो मात्रक पद्धति है MKS मात्रक पद्धति। अब इसके अंदर देखिए द्रव्यमान के लिए मात्रक होगा यहाँ पर किलोग्राम, लंबाई के लिए मात्रक होगा मीटर, और समय के लिए मात्रक होगा सेकंड, ठीक है। और इसके नाम से भी देखो, इसमें भी नाम से आपको पता चल जाएगा, एम से मीटर, किलोग्राम,
ठीक है, और एस से सेकेंड, तो इसके नाम से भी पता चल सकता है। उसके बाद तीसरी मात्रक पद्धति हम लोग ले रहे हैं एफ पी एस मात्रक पद्धति। ठीक है, एफ पी एस मात्रक पद्धति, तो इसके अंदर देखिए लंबाई के लिए मात्रक हो जाएगा फुट, और द्रव्यमान के लिए मात्रक हो जाएगा पाउंड, और समय के लिए मात्रक हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, ये तीन मात्रक पद्धतियाँ हम लोगों ने देख ली। उसके बाद देखिए एक आता है एसआई मात्रक पद्धति, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य है, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, एसआई मात्रक पद्धति। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये डिफरेंट कैसे है मात्रक पद, जो ये तीन मात्रक पद्धति है इनसे, इसके अंदर देखिए जो ये जो तीनों मात्रक पद्धतियाँ हैं इसके अंदर तो अपने तीन मूलभूत भौतिक राशियाँ हैं, ठीक है, लेकिन जो ऐसा ही मात्रक पद्धति है इसके अंदर सात मूलभूत भौतिक राशियाँ हैं। सात मूलभूत भौतिक राशियां हैं यहाँ पर। अब देखिए सात मूलभूत भौतिक राशि में कौन कौन सम्मिलित है, तो सबसे पहले द्रव्यमान, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, ठीक है, द्रव्यमान को यहाँ पर मूलभूत भौतिक राशि में सम्मिलित किया गया है, और जिसका मात्रक क्या होगा, किलोग्राम होगा। दूसरी मूलभूत भौतिक राशि लंबाई, जिसका मात्रक होगा मीटर, ठीक है। थर्ड मूलभूत भौतिक राशि समय, जिसका मात्रक होगा सेकंड। देखो यहाँ तक तो ये एनकेएस जो पद्धति है उसके समान ही है, ठीक है। उसके बाद चार भौतिक राशियां और इसमें सम्मिलित है, वो कौन कौन सी है, तो देखिए फोर्थ भौतिक राशि धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक है यहां पर एम्पियर। फिफ्थ भौतिक राशि तापमान, जिसको भी मूलभूत भौतिक राशि में सम्मिलित किया गया है, जिसका मात्रक है यहाँ पर केल्विन, ठीक है। उसके अगली भौतिक राशि जो है यहाँ पर पदार्थ की मात्रा, ठीक है, जैसे बहुत जो छोटी छोटी जो एलिमेंट्स हैं आपके, ठीक है, उनके कितनी मात्रा है, तो देखिए पदार्थ की जो मात्रा है उसके लिए भी यहाँ पर एक अलग से मात्रक बताया गया है, जो कि है मोल, और नेक्स्ट भौतिक, नेक्स्ट जो भौतिक राशि है वो है यहाँ पर प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता या फिर दीप्त तीव्रता। देखिए प्रकाश जब कोई भी एक स्रोत से निकलता है तो वो किरणों के रूप में आगे बढ़ता है, ठीक है, तो वही तीव्रता जो है उसके लिए यहाँ पर मात्रक होता है कैंडेला, ठीक है। तो ये हो गई है सात मूलभूत भौतिक राशियां एसआई पद्धति में। इसी तरीके से जो व्युत्पन्न भौतिक राशियां हैं उनके भी हम लोग उदाहरण ले सकते हैं,
व्युत्पन्न भौतिक राशियां, ठीक है। तो ऐसा ही मात्रक पद्धति में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं न्यूटन। न्यूटन जो है, जो कि बल का मात्रक है, ठीक है, बल का मात्रक है। इधर हम लोग लिखेंगे मात्रक और इधर लिखेंगे भौतिक राशि, ठीक है। और कैसे हम लोग निकालते हैं वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। तो देखिए, बल जो है वो होता है द्रव्यमान गुणा में त्वरण, ठीक है। F बराबर एम ए, आप लोग 10th क्लास तक पढ़ के आए हो, आप लोग जानते हो। तो ये होता है द्रव्यमान इंटू में त्वरण। तो देखिए, द्रव्यमान जो है उसके लिए मात्रक ऐसा ही पद्धति में पहले से ही है। और द्रव्यमान को क्या किस क्या मात्रक है उसका, किलोग्राम, जिसको केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो यहाँ पर जो ये भौतिक राशियाँ इनको किससे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए, ग्राम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जी से, सेंटीमीटर को सी, एम से, सेकंड को एस से, किलोग्राम को केजी से, मीटर को एम से, सेकंड को एस से, ठीक है। उसके बाद फुट को एफ से, पाउंड को पी से और सेकंड को एस से, इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद देखिए, मूलभूत जो ऐसा ही पत्ती की मूलभूत भौतिक राशियाँ हैं उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किलोग्राम, केजी, मीटर, एम, सेकंड, एस, एम्पियर, ए, केल्विन, के, मोल, एम ओ एल, कैंडेला, सी डी, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इनको रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ हम लोग निकाल रहे थे। न्यूटन बल के लिए जो है मात्रक, द्रव्यमान गुणा त्वरण, द्रव्यमान को किलोग्राम से लिख सकते हैं। त्वरण जो है उस परिभाषा से वो क्या होता है, दूरी बटा समय का स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि त्वरण होता है वेग बटा समय और वेग बराबर होता है दूरी बटा समय। तो इस तरीके से यहाँ से ये होगा दूरी बटा समय का स्क्वायर। तो यहाँ पर किलोग्राम दूरी का मात्रक क्या है, मीटर, और समय का सेकंड, तो सेकंड का स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल टू होता है न्यूटन, जिसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और न्यूटन देखो जो मात्रक है ये वैज्ञानिक के नाम पर रखा हुआ है, इसलिए इसको कैपिटल में शो करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में बल का मात्रक। उसके बाद हम लोग ले रहे हैं जूल, जो कि कार्य या फिर ऊर्जा का मात्रक है, ठीक है, कार्य या फिर ऊर्जा का मात्रक है। और अब देखो, कार्य जो है वो क्या होता है, वो बल गुणा विस्थापन के द्वारा हम लोग लिख सकते हैं, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, ठीक है। तो बल के लिए मात्रक क्या है, न्यूटन, और विस्थापन के लिए, विस्थापन दूरी है, दूरी का मात्रक क्या होगा, मीटर। तो न्यूटन मीटर बराबर क्या होता है, जूल, जिसको जे से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इस तरह उसके बाद अगला मात्रक हम लोग ले रहे हैं वाट, जिसको डब्लू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और जो कि किसका मात्रक है, शक्ति का मात्रक है, ठीक है। और शक्ति क्या होती है, कार्य करने की दर, ठीक है। तो कार्य बटे समय, कार्य करने की दर होती है। कार्य का मात्रक हम लोग पहले से निकाल चुके हैं जूल, और समय का मात्रक होता है सेकंड एस। तो जूल बटा सेकंड जे अपॉन एस इक्वल्स टू वाट, ठीक है। ये व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ हैं, इसलिए मूलभूत भौतिक राशियों की सहायता से ही निकाली जाएंगी। उसके बाद एक दो उदाहरण देकर और आपको मैं बता देती हूँ। अगला जो मात्रक हम लोग ले रहे हैं पास्कल, ठीक है, जो कि किसका मात्रक है, दाब का मात्रक है, ठीक है, दाब का मात्रक है। और दाब बराबर क्या होता है, दाब होता है बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। बल का मात्रक हम लोग पहले से ही निकाल चुके हैं, न्यूटन होता है। और क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि देखो इस तरीके से लिख सकते हैं, लंबाई का स्क्वायर हो गया एक तरीके से, ठीक है। और
लंबाई के लिए मात्रक क्या है? मीटर। तो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये पास्कल पी के बराबर होगा जो कि दाब का मात्रक है, ठीक है। उसके बाद कूलाम जो कि आवेश का मात्रक है, विद्युत आवेश का मात्रक है, ठीक है, कूलाम। और यहाँ देखो कि आवेश जो है मूलभूत भौतिक राशि जो कि विद्युत धारा है उसकी सहायता से निकालेंगे। देखो विद्युत धारा की परिभाषा होती है, विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटा समय, पर सेकंड कितने आवेश बहते हैं, आवेश बटा समय। तो यहाँ से आवेश निकालेंगे तो समय को उधर भेज देते हैं, तो आवेश बराबर हो जाएगा हमारे पास में विद्युत धारा, विद्युत धारा गुणा समय, ठीक है। यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं विद्युत धारा जो है उसका मात्रक एम्पियर पहले से निकाल चुके हैं हम लोग, और इसका सेकंड, तो एम्पियर इंटू सेकंड इक्वल्स टू कूलाम, ये भी वैज्ञानिक के नाम पर ही रखा हुआ है इसलिए कैपिटल में रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हो गया सी, ठीक है, इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद देखिए और मात्रक हम लोग ले रहे हैं, तो अगला मात्रक हम लोग ले रहे हैं वोल्ट। ठीक है, वोल्ट हम लोग ले रहे हैं जिसको V से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये मात्रक होता है विद्युत विभव या फिर विभवांतर। ठीक है, विद्युत विभव या विभवांतर का मात्रक होता है, और ये होता है कार्य बटे आवेश। ठीक है, तो कार्य का मात्रक क्या है हमारे पास में? जूल, ठीक है, और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो एक तो हो जाएगा हमारे पास में जूल बटे कूलाम, या फिर चेंज भी कर सकते हैं, देखो कूलाम को क्या लिख सकते हैं, एम्पियर इंटू सेकेंड लिख सकते हैं, ठीक है, और इसको जूल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए जूल को चेंज नहीं किया है, इसको चेंज कर दिया है। अब देखिए जूल बटा सेकंड जो है इसको क्या लिख सकते हैं, जूल अपॉन में सेकंड को लिख सकते हैं वाट, जो कि कार्य का मात्रक था, सॉरी शक्ति का मात्रक था। तो यहाँ पर जूल बटा वाट बटा एम्पियर, ये एक अलग मात्रक हो जाएगा इसका, और एक मात्रक हो जाएगा जूल पर कूलाम, या जूल प्रति कूलाम, या फिर वाट प्रति एम्पियर, इस तरीके से इसका मात्रक हो जाएगा ये। उसके बाद अगला मात्रक हम लोग ले सकते हैं ओम, जो कि प्रतिरोध का मात्रक है। ठीक है, प्रतिरोध होता है धारा को बहने में कितना डिफिकल्टी होती है, कितना धारा को रोक सकता है कोई भी जो धातु है, वो धारा को कितना बहने देती है और कितना रोकती है। तो रोकने वाली जो इसकी प्रवृत्ति होती है जिसको प्रतिरोध बोलते हैं, और वो होता है विभव बटे धारा। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है विभव बटे धारा, जो कि आगे आप लोग पढ़ोगे तो, और ये तो आप पढ़ के भी आए हो ओम के नियम से, 10th क्लास में पढ़ के आए हो ओम के नियम से, विभव बटे धारा प्रतिरोध बराबर। तो विभव जो है उसका मात्रक वोल्ट होता ही है, धारा का मात्रक होता है एम्पियर, तो वोल्ट पर एम्पियर, जो कि इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ओम के बराबर होता है। ठीक है, तो ये जो है कुछ व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ थी एसआई पद्धति में। उसके बाद देखो दो पूरक राशियाँ भी होती हैं, दो पूरक राशियाँ होती हैं एसआई पद्धति में, जो कि एक तो होती है, एक तो होती है कोण की, जो कि प्लेन कोण या फिर समतल कोण, ठीक है, जो कि एक ही तल में होता है उसकी होती है, और एक दूसरी होती है घन कोण। तो देखिए दोनों में बता देती हूँ, जो कि सिंपल कोण है, समतल कोण जो है, या फिर प्लेन एंगल जिसको बोलते हैं, वो तो देखो आपका नॉर्मल जो भी एंगल बनता है इस तरीके से ये होता है, जो कि एक ही प्लेन में बनता है, एक ही तल में बनता है, ठीक है, जिसके अंदर दो दिशाएं
या फिर दो जो अक्ष हैं वो काम में आते हैं, इस तरीके से एक सिंपल कोण बनता है, ठीक है। और इसका मात्रक होता है रेडियन, इसका मात्रक होगा रेडियन, जिसको आर ए डी से हम लोग लिखते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखो घन कोण, तो एक पूरे एंगल के द्वारा जो कोण बनता है, जैसे कि आइसक्रीम की कोण, तो एक पूरा एंगल, पूरा एक क्षेत्रफल होता है, उस क्षेत्रफल के द्वारा जो कोण बनता है यहाँ पर, वो होता है घन कोण, इस तरीके से, ठीक है। ये जो कोण बनेगा यहाँ पर, उस पूरे एरिया के द्वारा जो यहाँ पर कोण बनेगा वो घन कोण होगा, और इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन, ठीक है। ये इसका मात्रक होगा स्टेरेडियन, जिसको एस आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर समतल कोण जो है उसकी परिभाषा हो जाएगी, तो देखिए आज का ये वीडियो यहीं तक ही है। आप लोगों को आई थिंक समझ में आया है, अगर जो भी आपके डाउट रहते हैं वो कमेंट में आप लोग बता सकते हो, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, समझ में आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि आगे की क्लास की नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट मिल जाए। तो मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट क्लास में।